पल कॉन्टिनेंटल होटल से हम एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शेफ साहब मौजूद हैं, पेंटेरा इंजन एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो सोलर पाकिस्तान एक्सपो है यहाँ पर इन लोगों ने अपना स्टॉल भी लगाया हुआ है, और ये बड़े अरसे से उन अर्ली बर्ड्स में जो कि सोलर के अंदर बड़ी स्ट्रगल करते रहे हैं, और उन्होंने मार्केट को डेवलप करने में भी अपना बड़ा रोल प्ले किया है। हम इनसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शेफ साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शेफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ का जो फुटफॉल है जो दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि आज की एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ है तो अभी थोड़ी सी चीज़ें कम है, लेकिन आई एम होपफुल कि अगले दो दिनों में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और बेहतर हो जाएंगी। आप लोग अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। बेसिकली हम चार मेन कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स है। हम लोग इस वक्त रेजिडेंशियल के अंदर तकरीबन कमोबेश लाहौर और इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और कराची में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि नवंबर के अंदर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और हमारे ख्याल में हमारा एक बहुत अच्छा मेजर मार्केट शेयर है विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल मार्केट। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम आज की डेट में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, जिसके अंदर काम हो रहा है, कमोबेश तकरीबन 20-25 मेगावाट की इंस्टॉलेशन जारी है। और इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके लिए सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है किसानों के लिए, सोलर पम्प्स का हम उसके ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंटली काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कमर्शियल हैं, जिसमें बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेज हैं, जिसमें साइट्स हैं, छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, इस तरह के तमाम जगहों पर काम सिलसिला जारी है। और आप लोग मेनली इंस्टॉलेशन को हैंडल कर रहे हैं, या आप लोग अब कोई प्लान ऐसा भी कर रहे हैं कि आप लोग सप्लाईज जो हैं वो भी साथ साथ दें? नहीं, बेसिकली हम लोगों का मेन फोकस ईपीसी है। हम लोग टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोक्योरमेंट से लेकर एंड सोल्यूशन तक। हमारे पास इन हाउस टीम्स हैं फॉर सेल्स, फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर इंजीनियरिंग, फॉर मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, फॉर एवरीथिंग। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिसके अंदर हम खुद एक्सपर्टीज ना रखते हों। हमारे पास इंजीनियर्स की काफ़ी एक अच्छी रीजनेबल तादाद मौजूद है जो कि तमाम सर्विसेज और सपोर्ट फराहम करते हैं। शेफ साहब, यंग लोगों की फील्ड है, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे अंदाज़ा है कि आप बड़े अरसे से, बहुत शुरू शुरू में जिस वक्त अभी लोगों को बहुत सारी बात समझ नहीं आ रही थी, आपसे मेरी उस वक्त भी मुलाकात हुई और आपने उस वक्त से ये सारी स्ट्रगल शुरू की थी। आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर और स्कोप कैसा नज़र आ रहा है आपको? करंटली इस वक्त अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही है, हमें किसी किस्म टैक्सेशन नहीं है अभी फिलहाल। सेकेंडली बैंक की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कैपिटल इतना लगाए कौन, इंडस्ट्री वाला या घर वाला किस तरह काम करे। सो हमारे लिए बहुत ईज़ है कि बैंक्स ने अपनी पॉलिसीज़ बना ली हुई हैं, उनका प्लान बन चुका हुआ है। SBP स्टेट बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है, अगले दो साल की पॉलिसी जारी हो चुकी है। दो साल तक तो फिलहाल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और ग्रोथ भी लेंगे, हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, रेजिडेंशियल भी बढ़ रही है, और यूनिट की प्राइस भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें आपके लिए सब कुछ कंड्यूसिव है, कंडीशन बहुत अच्छी है इस वक्त, बहुत अच्छी। अच्छा, ये आपको जो प्रोडक्ट क्वालिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, और आपको लगता है कि वो जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? अच्छा, बेसिकली इसमें सिलसिला ये है कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसकी वजह ये थी कि बी ग्रेड सामान बहुत ज़्यादा आ रहा था, मार्केट इतनी अवेयर नहीं थी। इन पास्ट लाइक डेढ़ एक साल के अंदर कुछ इस तरीके से हुआ है कि मार्केट मैच्योर होती जा रही है, मार्केट को पता है कि उसको चीज़ क्या चाहिए। एक एज से ऊपर, अगर सर्टन लेवल से ऊपर जो बात करें, उनको चाहिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट से नहीं आगे पीछे होते, जिसकी वजह से डिमांड में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आज से तीन साल पहले जो इम्पोर्ट थी वो तकरीबन 800 से 1000 मेगावाट थी, जिसमें से 60% चंक अनरिलायबल प्रोडक्ट्स का था। ऑन द कॉन्ट्रेरी अब हम लोग तकरीबन 2500-2500 से ऊपर जा चुके हैं, जिसमें से टीयर वन का शेयर जो है 60% से ऊपर है। सो विच मीन्स कि हमारी जो डिमांड है उसमें टीयर वन का हिस्सा बहुत बढ़ गया। दूसरा, ये गवर्नमेंट ने अपनी कुछ रेगुलेशंस भी चेंज की है, जिसमें SRO 604 आया है, उसकी वजह से ये है कि कुछ चीज़ों पे बैन लग गया है। जैसे आप रिलायबल प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, कुछ टेस्ट हों, कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए अफादियत का ज़्यादा भरमार चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की है। यूरोपियन प्रोडक्ट्स, चूँकि यूरोपियन जर्मन बहुत आगे हैं सारे सेक्टर के अंदर, आपको लगता है कि बहुत महंगे हो जाएंगे यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि चाइना इंटरनेशनल मार्केट को भी डोमिनेट करता है। चाइना इस वक्त तकरीबन 90 से 95% प्रोडक्शन को डोमिनेट करता है, और उसकी वजह ये है कि सोलर सेक्टर में,
उसकी वजह ये है कि चाहे वो इन्वर्टर्स हों चाहे वो सोलर पैनल्स हो, रॉ मटेरियल की हो गई या जो स्केल अचीव करने की बात होती है वो चाइना कर चुका है। अब बाकी जितने भी ममालिक हैं चाहे वो जर्मनी हो गया अमेरिका हो गया, वहाँ पे मसले मसाइल ये हैं कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इस तरह के जो मसले मसाइल वो बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हो सकता। लेट्स से कि अगर आप अभी भी जर्मनी से या किसी और जगह से मंगवाएंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे ये है कि सेम प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटी सेम स्टैंडर्ड्स आपको लो प्राइस मिल जाएगा चाइना से। तो इस वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और आने वाले टाइम में लगता नहीं है कि चाइना कोई बीट कर सकेगा। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देते रहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज भी नहीं, बिल्कुल। तो देखिए चाइना हर तरह की प्रोडक्ट बनाता है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्या बाय करना है। थैंक यू वेरी मच शेब साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये शेब साहब थे हमारे साथ पंटेरा इंजीनियरिंग से। व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।